हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुमित कुमार विश्वकर्मा और स्वागत है आज के इस लाइव प्रोग्राम में। फिर से मैं आपके साथ में हूँ और कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। बेसिकली आज जो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ वो प्रीव्यू जो अभी हाल ही में हमने देखा था ड्रीम बिल्डिंग वेबिनार में और हमारे हार्ड कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम पर, वो उसकी कुछ प्रीव्यू मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने अटेंड तो किया ही होगा उस प्रोग्राम को, मैं आपको इस चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जून मंथ है और जून मंथ हमारे लिए बहुत 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 ही वैल्यूबल मंथ है। खास मंथ इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ऑफ़र लगातार कंपनी ने हमारे लिए दिए हैं और ये जो ऑफ़र है एक बहुत ही बैलेंस ऑफ़र है, जहाँ पर सेंटर ऑफ़र भी है हमारे पास में, अचीवमेंट ऑफ़र भी हमारे पास में, बहुत सारे और अच्छे ऑफ़र भी हैं। तो ये मंथ हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है, बिज़नेस को बढ़ाने का मंथ है, मोमेंटम का मंथ है। याद रखिएगा, कई बार हमारा बिज़नेस एक जगह पर रुक जाता है, कई बार बिज़नेस में उतनी बड़ी मोमेंट नहीं आ पाती है, कई बार हम उतने बड़े लेवल पे नहीं जा पाते हैं या कई बार स्थिरता आ जाती है। मोमेंट हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है और ये मंथ जो है दिस मंथ मोमेंट का मंथ है। आपके बिज़नेस को एक बड़ी शुरुआत, आप बड़ा बूम दिया जा सकता है। तो इसमें जो बातें रजत जी के माध्यम से और बड़े लीडरों के माध्यम से निकली वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। उनमें से कुछ खास बातों पर हम लोग बातचीत करेंगे। पहला था कि हमारा सेंटर जो है डिस्ट्रिक्ट सुपर जोन है एंड सुपर जोन है, उसमें आप प्रोडक्ट को पूरी तरह से भरिए। आपके लिस्ट में, कांटेक्ट में, आपके जान पहचान में, आपकी लीड में, आपके टीम में, आपके एरिया में जो भी सेंटर हैं, सुपर जोन है एंड डिस्ट्रिक्ट सुपर जोन है, वहाँ पे प्रोडक्ट्स को भरिए। क्यों भरिए? क्योंकि पहला नंबर है कि कंपनी ने ऑफर दिया है, दूसरा आप जान रहे हैं पैंडेमिक सिचुएशंस है, कई बार ऐसा होता है कि आप टारगेट को फिलअप करना चाहते हैं बट आपको प्रोडक्ट मिलता नहीं है। तो अगर प्रोडक्ट्स होंगे तो ही जाके बिजनेस वॉल्यूम होगा, नो प्रोडक्ट नो बिजनेस वॉल्यूम माय डियर फ्रेंड। तो आपके पास में जितने भी सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट सुपर जोन है, सुपर जोन है, सब में प्रोडक्ट्स को भरिए। एंड सेकेंड, जो भी लीडर्स हैं उनके पास में कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स जो उनके कंटिन्यू यूज़ में होते हैं, जो वो लगातार यूज़ कर रहे हैं, जिसको लेकर के वो काम बना रहे हैं, वो उनके पास में स्टॉक में होना चाहिए। इसको लेके भी कंपनी ने ऑफर दिया है, 5,000-10,000 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर ऑफर दिया है, बट प्रोडक्ट स्टॉक लीडर के पास एंड हमारे स्टॉक पॉइंट के पास में प्रोडक्ट के स्टॉक होना चाहिए। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, प्रोडक्ट शॉर्टेज नहीं हो, इसलिए प्रोडक्ट को आप स्टॉक में रखें। इसके लिए 7 तारीख तक ऑफर है और नो डाउट सारे के सारे सेंटर वाले इसको कैश कर रहे होंगे। सेकेंड जो चीज़ है, ऑफर की जानकारी। ऑफर की जानकारी आप डेप्थ लेवल तक आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। ऑफर हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ऑफर है, सेंटर ऑफर है, न्यू पिन को अचीव करने पर ऑफर है हमारे पास में, एंड उसके साथ साथ में हमारे पास में रेगुलर परचेस को लेकर के ऑफर है हमारे पास में, 5,000 एंड 10,000 बिजनेस वॉल्यूम लेकर के ऑफर है। तो बहुत ही बैलेंस ऑफर है। ऑफर की जानकारी आप कोशिश ये करिए टिल एंड तक आपके टीम नेटवर्क में पहुंचे, टिल एंड तक। केवल व्हाट्सअप नहीं, हो सके तो कॉल के माध्यम से, हो सके तो वीडियोस बना करके, हो सके तो आप पर्सनल कॉल करके, हो सके तो आप उनसे जूम में ला करके, लेकिन केवल सेटिस्फाइड व्हाट्सअप करके मत रह जाइए। सारे लोग पोस्ट नहीं देखते हैं, आज सबके व्हाट्सअप में लगातार मैसेजेस आते हैं, सभी सबको पोस्ट नहीं देखते हैं। आप कन्फर्म करिए उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, और बीच बीच में आप उनको इस इन्फॉर्मेशन से अवगत कराते रहिए। तीसरा जो चीज़ें हैं यहाँ पर, फोकस ऑन रेगुलर परचेस 999, 1999 एंड 2499। ये जो ऑफर कंपनी ने रेगुलर परचेस पे दिया, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपके अरबों, करोड़ों और अरबों के बिजनेस का बेसिक नींव बन सकता है। रेगुलर ग्राहक, हमारे पास में कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो बिजनेस को बड़ा करते हैं, और रेगुलर कंज्यूमर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और पहली बार एक ऐसा ऑफर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस ऑल्टोस के माध्यम से हुआ है, इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा अभिषेक जी को, अश्विनी सर को और हमारे ब्रांड एम्बेसडर रजत जी को, कि उन्होंने इस तरह का ऑफर हमारे लिए डिज़ाइन किया है, जहाँ पर 2499 अगर लगातार कोई व्यक्ति परचेस करते हैं तो 6 मंथ में उन्हें 2499 का 7वां महीना फ्री मिलता है, 12 महीना परचेस करने पर एक बार और मिलता है, और रेगुलर 12 महीने परचेस कर लेते हैं तो 3 टाइम आपको 2499 का मिलता है। वहीं 1999 6 टाइम परचेस करने पर आपको 7वां महीना फ्री मिलता है, अगेन 6 मंथ पे 7वां महीना फ्री मिलता है, और कंटिन्यू 12 महीने करने पर 999 का और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है। तो आप इस पे फोकस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसकी जानकारी दीजिए। करना क्या है, जस्ट सिंपल है, हमारे शॉप की हैबिट एंड परचेसिंग की जो दुकान है उसको बदलना है, और ऑल्टोस से हम प्रोडक्ट लेंगे तो कई सारे बेनिफिट्स हैं। उन्हें केवल बताना नहीं है, प्रोडक्ट की साथ में बताइए, प्रोडक्ट के फीडबैक के साथ में बताइए, प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन के साथ बताइए, प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ बताइए, प्रोडक्ट की एडिफिकेशन के साथ बताइए। इसके माध्यम से एक नए व्यक्ति जो बिजनेस की मेंटलिटी में नहीं है बट आपके परमानेंट यूजर बन सकते हैं।
और मैं अपनी तरफ से आपको टिप्स देना ये चाहूंगा कि आप फोकस 2499 पे करें, क्योंकि आप 2499 अगर बात करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होता है 1999 पर और 999 में बात करने की, लेकिन अगर आप पहले ही 999 पे बात कर लेंगे तो आप ऑप्शन लेस हो जाते हैं। सो आप ऑफर पे प्रमोशंस कर सकते हैं, बाकी सारे ऑफर की जानकारी आप जरूर लोगों तक पहुंचाएं। 2499 इंटू 10 सेल्फ स्पॉन्सरिंग, टारगेट ये बनाए कि कम से कम आपके माध्यम से 10 नए 2499 की एंट्री हो। ये आप नई ज्वाइनिंग से भी करा सकते हैं या पुरानी ज्वाइनिंग से भी करा सकते हैं, बट 2499 की एंट्री आपके माध्यम से हुई। आप इसके मल्टीप्लीकेशन में सोच के देखिए, आप अगर करते हैं और आप अपने नेटवर्क में इस चीज़ को डुप्लीकेट करते हैं तो कितना बड़ा मार्केट आप ले सकते हैं। वहीं एक और फोकस आप कर सकते हैं, 10 न्यू ज्वाइनिंग, न्यू ऐड करें। सिंपल है सर माय डियर फ्रेंड, मैंने पिछले वीडियोस में बोला था, आपके पास जो पैसा है क्या वही पैसे में आप आगे बढ़ेंगे या और पैसा कमाएंगे? जो राशन आपके पास है उसी राशन में जीवन गुजारेंगे या और राशन चाहिए? तो जो नेटवर्क है उसी नेटवर्क में बड़ा कैसे हो सकता है? और नेटवर्क हमें चाहिए, तो और नेटवर्क के लिए और प्रोस्पेक्टिंग चाहिए, और लोग चाहिए, और प्लान चाहिए। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और प्लान और प्लान और प्लान और प्लान पे फोकस करें एंड इसको लेकर के हम काम कर सकते हैं। एंड उसके बाद रजत जी ने एक बहुत अच्छे टिप्स हमें कई बार दिए हैं, आप 10 लोगों को कॉल करें, उनके बारे में आप बातचीत करें और उन्हें एटलीस्ट बोले कि सर आप 10 लोगों को टच करिए। अगर 10 व्यक्ति को भी कॉल करते हैं तो आपके नेटवर्क में कॉल गया 100, और सेम 100 व्यक्ति को अगर हम ये बोलते हैं सर आप 10 को कॉल करिए तो आपके नेटवर्क में कॉलिंग हुई 1000, और वही 1000 को फिर आप बोलते हैं कि सर आप कॉलिंग करिए 10 लोगों को, तो आपके नेटवर्क में रिचनेस हो गई 10,000 लोगों का, और वही 10,000 लोग भी 10 लोगों को कॉल करते हैं तो 1,00,000 लोगों को आप टच कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड। तो द पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड द पावर ऑफ डुप्लीकेशन का बिजनेस है ऑल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड, बिल्कुल मिस ना करें, मैक्सिमम लोगों को आप इसके बारे में जानकारी दें। एंड उसके साथ साथ हमें बात करना है फोकस ऑन प्रायोरिटी क्लोजिंग पे, हमको ध्यान देना है, प्रायोरिटी फोकस्ड करना है हमें 10 तारीख की क्लोजिंग में। कहा जाता है मैक्सिमम बिजनेस 10 तारीख तक ही दिखने लग जाता है, तो 10 तारीख तक आप, जैसे आज रीपर्चेस डे है, आपने किया ही होगा और आपके नेटवर्क में बहुत लोगों ने किया होगा, नहीं तो आप भी आज कुछ परचेस जरूर करें। 10 तारीख तक आपके बिजनेस का 40-50% बिजनेस वॉल्यूम 10 तारीख तक आप टारगेट बनाएं। अभी दिमाग में ये ना डालें कि 30 तारीख, अभी दिमाग में डालें 10 तारीख ही मेरा 30 तारीख है, 11 तारीख आपके कैलेंडर में नहीं है, 11 तारीख को सोचेंगे, क्योंकि मैक्सिमम ऑफर जितने भी सारे ऑफर हैं सबकी क्लोजिंग 10 तारीख तक है, तो पूरी ऊर्जा 10 तारीख तक आप लगा लीजिए, आप इसमें बहुत बड़ा गेन कर सकेंगे। उसके साथ साथ न्यू अचीवर्स, आपके नेटवर्क में न्यू अचीवर को लेकर अच्छे ऑफर कंपनी ने दिया है, तो न्यू अचीवर को लेकर के आप न्यू एग्जीक्यूटिव पे प्लान बना सकते हैं, न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव पे प्लान बना सकते हैं, न्यू डायमंड पे प्लान बना सकते हैं, न्यू ब्लू डायमंड पे प्लान बना सकते हैं। ज़्यादा फोकस हमें एग्जीक्यूटिव एंड चीफ एग्जीक्यूटिव पे करना है, ये बेसिक पिन है, अगर इस पिन पे आप लोगों को पहुंचाना स्टार्ट करते हैं तो ऊपर के पिन भी जंप करना ऑटोमेटिकली स्टार्ट होंगे। तो आपकी टीम में जितने भी पुराने लोग हैं आप ट्राई करिए वो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव एंड चीफ एग्जीक्यूटिव पे आएं, और जितने नए लोगों को भी आप स्पॉन्सर करते हैं उनको आप एग्जीक्यूटिव या चीफ एग्जीक्यूटिव का प्लान बता सकते हैं। यही कुछ चीज़ें रजत जी ने बहुत अच्छी बात बताई, अब मैं इस पर कुछ टिप्स आपके साथ में ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। पहला, आप अपलाइन की कोऑर्डिनेशन ज़रूर लें, ये थर्ड पार्टी का गेम है, आप अपनी टीम के स्ट्रक्चर के साथ एक बार अपलाइन के साथ में बैठे, उनकी प्लानिंग को अपनी प्लानिंग के साथ मर्ज करें, क्योंकि अगर आपकी प्लानिंग अलग होगी उनकी प्लानिंग अलग होगी तो एनर्जी खत्म हो जाएगा। अगर स्टेज में एक व्यक्ति सारे जहां से अच्छा, दूसरा व्यक्ति वंदे मातरम, तीसरा जनम अनगन गाएगा तो कहीं रिदम बनने वाला नहीं है। तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठे, अगर वो बड़े वॉल्यूम में काम कर रहे हैं तो आप माइंड सेट करिए, अगर आपको लग रहा 2499 में काम कर रहे तो आप उनको बताइए, इससे क्या होगा आपके नेटवर्क में वो वही चीज कॉलिंग करेंगे और आपकी कॉलिंग और उनकी कॉलिंग एक होगी और कहीं ना कहीं ज्यादा रिजल्ट्स आपको मिल सकता है। तीसरा, अपने अपलाइन के माध्यम से थर्ड पार्टी अप्रोच की करवा सकते हैं, आप जो बोल रहे हैं वो एक बात है, दूसरे व्यक्ति दो तीन व्यक्ति वो बोल रहे हैं तो वो एक तथ्य है, और सभी जब उसको बोलते हैं तो वो नियम बन जाता है। तो ज्यादातर लोग जब इस एक ही बात को बोलते हैं तो वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। तो आप अपने अपलाइन की मदद ले सकते हैं, आप वेबिनार एंड सेमिनार की मदद ले सकते हैं, आपकी जो भी बीच बीच में आपके अपलाइन के आसपास में मीटिंगें हो रही हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, जूम ट्रेनिंग्स हो रही है, आप उसमें भी अपने नेटवर्क को बैठा सकते हैं। उसके साथ साथ एक और चीज़ आपको करना है, एंड तक हमें एफोर्ट लगाना है, एंड तक हमको एफोर्ट्स लगाने हैं, कोशिश ये करना है। कई बार हमारे रिजल्ट्स हमें हमारे मुताबिक होते हैं, कई बार हमारे रिजल्ट हमारे मुताबिक नहीं होते, मैं आपको ये कहना चाहूँगा एंड तक एफोर्ट लगाना है। और एक थोड़ी सी टिप्स के साथ में हम लोग एंड की ओर चलेंगे,
जब हम प्लान देंगे, इस बार की प्लान थोड़ी सी यूनिक कर सकते हैं, प्लान अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम तीन सेंस को किसी भी मेमोरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे हमारे पांच सेंस होते हैं, लेकिन इंसान तीन सेंस को ज़्यादा ध्यान देता है, ऑडिटरी, विजनरी एंड काइनेस्थेटिक। फीलिंग्स, स्किन टच, आंखों से देखना और कानों से सुनना। सूंघना और चखना भी हमारी सेंस है, लेकिन इंसान इन तीन सेंस को ज़्यादा इस्तेमाल में लेते हैं। तो आप जब किसी व्यक्ति को बता रहे हैं ऑफर के बारे में, आप उनकी पिन के बारे में प्लानिंग बता रहे हैं, आप उनको एग्जीक्यूटिव बनाना चाहते हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव बनाना चाहते हैं, या उन्हें 10,000 वॉल्यूम क्लोज कराना चाहते हैं, या 2499 में ले जाना चाहते हैं। अगर आप केवल फोन कॉल कर रहे हैं, सबसे स्लो प्रमोशन, सबसे लो प्रमोशन, सबसे नॉन प्रोडक्टिव प्रमोशन है कि व्हाट्सअप करके चुप हो जाना, माई डियर फ्रेंड। हो सकता है उन्होंने देखा या नहीं देखा, पता नहीं। सेकेंड टाइप ऑफ प्रमोशन कर सकते हैं, आप उन्हें फोन कॉल किए, लेकिन मात्र 10-5% ही फर्क पड़ेगा अगर ऑडिटरी वैल्यू आपने उन्हें दिया है। तो आपने केवल उनको वॉइस दिया है, और मुझे मानना है कि ऑडिटरी केवल 10% होता है। दूसरा चीज हो सकता है, आप उनके साथ पर्सनल जूम मीटिंग में बैठे, पॉसिबल हो रहा है तो पर्सनली उनके साथ में बैठे, आपकी सिचुएशन के अनुसार, नहीं तो जूम मीटिंग में बैठा है, वीडियो कॉलिंग्स में बैठा है, और अच्छे से कॉपी में ड्रॉ करके आप उनकी जो अचीवमेंट है उन्हें आप दिखाएं कि सर अगर आप एग्जीक्यूटिव होंगे तो आपको 7,500 इस महीना मिनिमम इनकम गारंटेड मिल रही है, साथ में अगर आप 10,000 वॉल्यूम करते हैं तो आपको 2500 प्लस 1000 इक्वल टू 1500 प्लस 1000 इक्वल टू आपको 2500 का इनकम आएगा। अगर आप 10 लोगों को पर्सनल आप 2499 में एंट्री कर लेते हैं और 1000 वॉल्यूम भी मिनिमम आता है तो वहां से आपको 1500 रुपये आएंगे, तो आप यहां पर लगभग 11,500 रुपये का चेक इस महीना लेंगे। और ये केवल 11,500 का चेक सर इस महीने का नहीं, आगे भी काम होगा। तो आप उनको लिख करके बता सकते हैं। जब लिख करके बताएं तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, एक टिप्स देना चाहूंगा कि मिनिमम 3 टाइम रिपीट करें, लेकिन इरिटेट नहीं करें, रिपीट करें। इरिटेट रिपीट का अंतर है, उन्हें ये चीज अनकॉन्शियसली आपको लगना चाहिए कि आप उन्हें बता रहे हैं। आप उन्हें रिपीट करें और कोशिश करें 3 टाइम रिपीट करें। आपने कभी किसी जादूगर को देखा होगा, आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो माइंड का प्रोग्रामिंग करते हैं, या आपने किसी ऐसे मोहन को कर देखा, कभी आपने देखा होगा। कारण है, हमारे माइंड का 7 लेयर होते हैं, 7 उप लेयर होते हैं और 3 लेयर्स होते हैं। जब किसी बात को रिपीट रिपीट एंड रिपीट करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से मेमोरी में एंट्री हो जाती है। तो आप जब राइटिंग के साथ साथ में उन्हें बात कर रहे हो तो मिनिमम 3 बार से ज़्यादा रिपीट करने की कोशिश करें, बट ध्यान रखें इरिटेट करने की कोशिश ना करें। वहीं पर एक और चीज़ कर सकते हैं, फीलिंग ऐड कर सकते हैं। दुनिया में इंसान के लिए सबसे स्ट्रांग कोई मेमोरीज होती है तो फीलिंग। आप उन्हें बोल सकते हैं, सर अगर आप इस महीने एग्जीक्यूटिव जाएंगे तो आपकी पहली सीढ़ी हम पार कर जाएंगे, फिर आप आने वाले ही कुछ महीने में, 1 या 2 महीने में हम चीफ एग्जीक्यूटिव की प्लान करेंगे, और ऐसे करते करते हम 1 साल में 1 लाख रुपए या 2 लाख के चेक को हम पहुंचेंगे। और सर ऐसे ही करते हुए रजत जी ने, ऐसे ही करते हुए घनश्याम सर, ऐसे ही करते हुए कोमल जी, अरविंद जी, ऐसे ही करते हुए सारे बड़े अचीवर्स भरे थे। उन्होंने पहले पिन को ब्रेक किया, सेकेंड पिन को ब्रेक किया, थर्ड पिन को ब्रेक किया, और धीरे धीरे करते करते आज टॉप में पहुंच गए हैं। तो आप अगर उनको व्हाट्सअप कर रहे हैं उससे ज़्यादा स्ट्रांग होगा आप उन्हें फ़ोन करिए, अगर आप फ़ोन कर रहे हैं ज़्यादा स्ट्रांग होगा आप उन्हें लिख करके बताइए। लिख करके आप वीडियोस भी बना सकते हैं, लिख करके जूम में उनको बुला करके ही बता सकते हैं, और ज़्यादा होगा उनकी ड्रीम्स के साथ में रिलेट करिए, उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ में रिलेट करिए, उनके फ्यूचर के साथ में रिलेट करिए, उनकी खुशियों के साथ में रिलेट करिए। जब आप रिलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं फीलिंग के साथ एड्स होगा और आपको ज़्यादा अच्छी क्लोजिंग मिलेगी, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, ये मंथ आप बेस्ट करेंगे। और टॉप टू पिन जितने भी लोग हैं, टॉप टू बटन सारे लोग अपने पिन को चेंज कर रहे हैं, विश यू ऑल द बेस्ट कि आपके टीम में भी बहुत सारी पिनें निकले, बहुत सारे लेवल अचीव हों। वापस से कहना चाहूँगा, मोमेंटम का मंथ है। हो सकता है आपका बिजनेस का स्ट्रक्चर उतनी बड़े बिजनेस के लिए अलाउड नहीं कर रहा है, लेकिन जो आप मोमेंटम बनाएंगे ये मोमेंटम आपको आगे भी काम आएगा। इसलिए बिल्कुल भी आप बीच में ना छोड़ें,
एंड तक काम करें, 10 तारीख तक क्लोजिंग को फोकस करें। बड़ा वॉल्यूम ही बड़ा बिजनेस दे सकता है, इसको फोकस करें। 2499 के माध्यम से कुछ नॉन यूजर को आप यूजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यू कस्टमर को यूजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर को जरूर एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव डायमंड का प्लानिंग बनाएं, सेंटर में प्रोडक्ट को आप भर दें और बेहतरीन रूप से काम करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय ऑल्टोस।